खारी को फर्स्ट बनाने के लिए पहले पंचायत और गांव को फर्स्ट बनाने का जो विजन है हमारी, ये 5 उम्मीदवार अपने अपने क्षेत्रों में प्रारंभ करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का जो अधिकार का बात है, सम्मान का बात है, उसको मजबूती में सदन में रखने का काम करेंगे। 5 का हम लोगों ने घोषणा कर दिया है, आप धैर्य रखिए, 1 से 2 दिनों में और सीटों को भी जानकारी आप लोगों को दे दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में 24 सीटों पर MLC के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चुनाव आयोग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। वहीं आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आज अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने इसकी पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने कि बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकार का चुनाव बिहार में होना तय हुआ है, नोटिफिकेशन हो गया। आज हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 उम्मीदवारों की घोषणा हम लोग कर रहे हैं। 5 उम्मीदवार हमारे हैं गया जहानाबाद अरवल क्षेत्र से श्री सत्येंद्र शर्मा जी, नालंदा से श्री नरेश प्रसाद सिंह जी, रोहतास और कैमूर से रविशंकर पासवान जी, दरभंगा से श्री विपिन पाठक जी, सहरसा मधेपुरा सुपौल श्री गंगा सागर कुमार जी उर्फ छत्री यादव जी, ये 5 उम्मीदवार हमारे यहाँ उपस्थित हैं। 5 उम्मीदवार मजबूती से अपने अपने क्षेत्रों में हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरेंगे। चुनाव की तैयारी में पहले से लगे हुए थे और साथ ही पार्टी के जो सपने हैं, पार्टी के जो विजन है, उसको मजबूती से त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के बीच में रखते हुए अपने जीत को सुनिश्चित करेंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के विजन को मजबूती प्रदान करेंगे और अपने क्षेत्र से जीतकर त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का जो अधिकार का बात है, सम्मान का बात है, उसको मजबूती में सदन में रखने का काम करेंगे। देखिए, प्रथम सूची में हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक करके 5 प्रथम सूची में 5 उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। बहुत जल्द और उम्मीदवार हमारे जो मजबूती से मैदान में लड़ रहे हैं, उनका भी अविलंब हम लोग घोषणा करेंगे। और कुछ सीटों पर पार्टी कुछ उम्मीदवारों को समर्थन भी देने का काम करेगी। वैशाली से उम्मीदवार उतारेंगे, वैशाली पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वैशाली, जमुई, सारण, ऐसे सीटों पर बहुत जल्द निर्णय पार्टी करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे और जल्द ही हम लोग इसकी भी घोषणा करेंगे। अभी तक 5 का हम लोगों ने घोषणा कर दिया है, आप धैर्य रखिए, 1 से 2 दिनों में और सीटों को भी जानकारी आप लोगों को दे दीजिए। ऐसे कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरे हुए हैं जो हमारे पार्टी के जो विजन है उसके अनुरूप वो काम करना चाहते हैं, तो वैसे निर्दलीय उम्मीदवार को भी पार्टी समर्थन देगी। जो हमारे पार्टी के विजन के साथ होंगे वैसे उम्मीदवारों को पार्टी समर्थन देगी। तो आपने साफ तौर पे 5 उम्मीदवारों की सूची भी देखी है और उनके नाम को भी जाना है, और वो कौन कौन से क्षेत्र से लड़ रहे हैं इसकी पूरी जानकारी जो है वो आज बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने दिया है। और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि हमारी जो पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो कई निर्दलीय उम्मीदवारों को भी समर्थन करेगी। वहीं जो और भी सूची है वो जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।